जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय राधा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गौर हरि बोल हरि बोल धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के श्री राधा श्याम सुंदर की जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आराध्यो भगवान व्रजेश तनाय तदधाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशना व्रजवधू
प्रजनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमानम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमाप्रभो मतमिदम् तत्रादरे न शितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणविं वफलाधरोष्ठा पूर्णे किमपि तत्त्वं न जानि करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशया वटशपत्र शपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्दरे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नश्प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी हरे कृष्णा हरे कृष्णा परम सौभाग्यशाली श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम सौभाग्यशाली भूषित आज इस कामदाय एकादशी के कामदाय एकादशी तिथि को आज आपके इस गांव में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे गुरु महाराज की कृपा से इस गांव के कथा आयोजकों के अथक प्रयास से आज कामदा एकादशी को वह परम पवित्र तिथि उपस्थित हो चुकी है जब आपके ग्राम में आज एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। भक्तों आज एकादशी तिथि है। कौन सी तिथि? आप लोगों ने नाम सुना है? कौन सी चिड़िया है ये? कभी उड़ी है आपके कान से? कौन सी चिड़िया है? सुना है ना? किसी ने नहीं सुना है। अद्भुत एकादशी का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? थोड़ा हाथ उठाओ। आपने नहीं सुना बाबा एकादशी का नाम सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना? जिसने भी सुना हाथ उठाओ। देखिए अभी तो कथा शुरू नहीं हुई ना, तो मैं नियम बताऊं आपको कथा का। मेरे कथा का नियम है कि मैं अकेला कथा नहीं करता हूँ कि आया पढ़ दिया चला गया ना, आपको भी थोड़ा इनपुट देना है ना। कितने लोगों ने सुना एकादशी तिथि का नाम? थोड़ा हाथ उठाओ पीछे से भी। हरि बोल। वो जो दूर दराज में बैठे हैं ना, उधर से भी हरि बोल। कौन सी दुनिया में एकादशी तिथि सुना है? सुना हुआ है।
और आज कितने लोग एकादशी किए हुए हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। अरे वाह, कितना अद्भुत है प्रभु जी, एकादशी तिथि है और एकादश लोगों ने एकादशी किया है, अद्भुत। हरि हरि हो, जय हो, जय हो। दुख का विषय, दुख का विषय है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में आया है, माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि क्या है? ये एकादशी को क्या कहा गया? माधव तिथि। कौन सी तिथि? माधव तिथि। आप लोग भी बोल सकते हैं, इससे कुछ अपराध या फिर पाप ऐसा नहीं लगेगा, आप लोग बोल सकते हैं। माधव तिथि, कौन सी तिथि कहा जाता है एकादशी तिथि को? माधव तिथि। हाँ, सो जाओ, उसको तकिया लाके दो इधर से। दोस्तों, कल से कुछ गद्दे और पलंग की व्यवस्था इधर करा दी जाएगी ताकि विश्राम किया जा सके, और इससे अच्छा कहाँ विश्राम करने का स्थान मिलेगा जी। तो शास्त्रों में क्या कहा गया? माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि क्या है? भक्ति जननी। लेकिन माधव तिथि किसको कहा जाता है? एकादशी तिथि को ही माधव तिथि कहा जाता है। जतने पालन करे, या माधव तिथि को जितना जतन करके पालन किया जा सके, ये उतना क्या करता है? हमारे जीवन में भक्ति को उत्पन्न करता है, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। वैसे आप लोगों ने नहीं किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हम तो बस थोड़ा सा खाली व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं, है ना? लेकिन ये सही नहीं है जी, ध्यान रखिए। मैं आपको कुछ कथा सुनाऊं। हमारे इतिहास में ऐसी कथा आती है कि सूरी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ राजा रूपवांगत। क्या नाम हुआ? राजा रूपवांगत। तो राजा रूपवांगत का राज्य बड़ा सुंदर राज्य था, बहुत सुंदर, और उस सुंदर राज्य में उन्होंने बड़ा सुंदर एक बागीचा लगवाया, बहुत सुंदर बागीचा लगवाया। बगीचे में बड़ा सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगवाए, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगवाए, और एक ऐसा दिव्य फूल लगाया कि उस फूल की खुशबू स्वर्ग लोक तक जाने लगे। अब देवराज इंद्र ऐसे बैठे होंगे, बोला अरे ये खुशबू कहां से आ रही है? बोले ये खुशबू जो आ रही है वो कहां से आ रही है? पृथ्वी लोक में राजा रूपवांगत के बगीचे से। अब शराओं को आदेश दिया, डेली शाम को जाना, तोड़ करके सवेरे सवेरे आ जाना। सभी लोग जाते और सब फूल जो है सो तोड़ करके लेकर के आते। इतना इतनी खुशबू अच्छी थी कि राजा रूपवांगत उसे लेने के लिए डेली अप्सराओं को भेजते, और अप्सरा जाती और उसे लेकर के आते। राजा रूपवांगत पूछते अपने माली से कि क्या हमारे बाग में फूल खिलता? माली कहता है महाराज, महाराज फूल तो खिलता है, और मैं सोचता हूँ कि सवेरे रात को देखता हूँ कि गली होती है, और मैं सोचता हूँ कि सवेरे निकाल लूंगा, लेकिन जैसे ही सवेरे होता है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फूल ही नहीं है। राजा बड़े धर्मात्मा थे, सोचा कि स्वर्ग लोक से अप्सरा देवता आते होंगे और इसको लेकर के चले जाते होंगे। एक दिन की बात, स्वर्ग लोक से ऐसी अप्सराएं आई, फूल लेकर के जा रही थी कि उसी समय जो अप्सराओं की हेड है, क्या नाम उनका, क्या नाम है उर्वशी, क्या नाम है? होमवर्क भी है ये कल के लिए, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? अप्सराओं में हेड कौन है? उर्वशी, ध्यान रखिएगा। मैं पूछूंगा, किसी को भी माइक दे सकता हूं, और मुझे याद है कि कौन कौन लोग आ गए, है ना? तो उर्वशी फूल तोड़ी और तोड़ करके जा ही रही थी, और जैसे ही जा रही थी कि जाने के क्रम में उनका जो पल्लू होता है ना, दुपट्टा,
वो दुपट्टा बैंगन के कांटे में फंस गया। अब बैंगन के कांटे में फंसने से तो बैंगन को अपवित्र माना जाता है। तो बैंगन के कांटे में फंसने से क्या हुआ, वो पुण्यहीन हो गई और इसी पृथ्वी पर रुक गई। वो आगे नहीं जा सके, वो आगे नहीं जा सके, पुण्य नहीं सके, सारी अप्सरा चली गई। उर्वशी यहीं पर बैठी रह गई और रात भर बेचारी सोचती रही कि मैं स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर, ये पृथ्वी के लोग इतने कीड़े मकोड़े के समान। वास्तव में हम लोग स्वर्ग के देवी देवताओं के सामने हमारी सुंदरता जो है ना, वो जीरो के बराबर है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे आप इसको इस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, तो उसमें भी तो सुंदर होता होगा, कितनी सुंदर बिल्ली है, कितना सुंदर कुत्ता है, कितना सुंदर वो क्या कहते हैं चींटी है, कितना सुंदर वो जो भी हो जीव जंतु, उनमें भी मान लो कंपटीशन होता होगा। मिस्टर डॉग, मिस डॉगी अथवा मिस्टर मकोड़ा, मिस मकोड़ी, समथिंग ऐसा ऐसा कुछ वो लोगों का होता है ना हमारे में, मिस्टर यूनिवर्स। तो वैसे ही मिस क्या कहते हैं, मिस यूनिवर्स मकोड़ी, मिस्टर यूनिवर्स मकोड़ा, ऐसा समथिंग कुछ होता होगा। अब उनकी सुंदरता हमारे सामने क्या बताओ, मकोड़ा कितनों भी सुंदर रहे हम क्या करेंगे, उसके साथ कुत्ता रहे कितनों भी सुंदर से हम क्या करेंगे, नहीं कुछ लोग पालते हैं। सुंदर है प्रभु जी, प्रश्न तो हो गया होगा, प्रभु जी जानवरों से तो प्रेम करना बताया गया है, सही है जानवरों से प्रेम करना बताया गया है, लेकिन किसका क्या जानवर है वह डिपेंड है ना? ना अब इसको साधारण समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक है, तो पढ़ेगा उसका क्या इंस्ट्रूमेंट है पढ़ने का, बुक्स पेपर पेन, यही है ना। अब उसके हाथ में हल दे दिया गया, बेटा तू वहां रह के इंजीनियरिंग कर रहा है, ये हल ले जा, इससे पढ़ाई करना, क्या पढ़ेगा वो बताओ मेरे को। या फिर चाकू दे दिया जाए, तलवार दे दिया जाए, बेटा ये तलवार पढ़ाई कर, इसे क्या पढ़ेगा वो, कुछ पढ़ेगा। उसी प्रकार से शास्त्रों में जो है सो जानवरों को भी बांटा गया। हमारा जो जानवर है वह क्या है, गाय। क्या है, कितना सुंदर लगता है सुनने में, गाय। कुत्ता, अब आपकी मर्जी, मैं तो खाली कुत्ता देखते ही सलो करते हड़क खड़क खड़क। कुछ लोग कुत्ता देखते ही पत्थर उठा लेते हैं, पता नहीं स्वभाव ही होता है कर, हम लोग तो ना पत्थर उठाते हैं ना फिर, लेकिन हमें उनको सबकी स्थिति है, बोलेंगे प्रभु जी उसमें भी तो प्राण है, उसमें भी तो भगवान रहते हैं, बिल्कुल रहता है, तो अजगर में भी प्राण रहता है, भगवान रहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, बिछावन पर बिठाएंगे, और भाई अजगर क्या हाल है तेरा, ऐसा करेंगे क्या, या फिर शेर को ला कर रखे, और शेर चाचा ठीक ठाक है, बोले भतीजा तू मेरे पेट के अंदर चले जा। तो इसी प्रकार से जानवर को बांटा गया है, दूध, गाय दूध देती है। तो क्या चर्चा कर रहा था मैं, थोड़ा आप लोग इस प्रकार से याद दिला सकते हैं मुझे क्या, एकादशी का, एकादशी में कहां तक पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे बाबा, हाँ जानवर तो अच्छा, सुंदरता, सुंदरता। तो रानी जो देवी उर्वशी है वो बहुत सुंदर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी सुंदरता कैसी है, बहुत सुंदर है। तो देवी उर्वशी फंस गई और सोचने लगे कि ये सड़े हुए मनुष्य मैं फंस गई, अब मुझे पकड़ लेंगे, मेरा भोग करेंगे, मुझे देखेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बड़ी डर गई, रोने लगी। उसी समय राजा रूपवांगत सवेरे सवेरे उठे, कितने बजे, 9 बजे, कितने बजे, कितने बजे सवेरा होता है, 9 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या किया, व्हाट्सएप चेक करने लगे, क्या किया,
फेसबुक क्या किया? यस हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऊपर करिए आस्कत हरे राम ऊपर करिए दोनों राम 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 हरे हरे जब करते हुए अपने बागीचे में टहलने लगे और जैसे ही टहलने के लिए गया तो देखते हैं कि एक स्त्री रो रही है उनके पास गया और पहला ही शब्द निकला क्या माते बस इतना सुनते ही देवी उर्वशी का रोना बंद हो गया ये माता शब्द बड़ा अद्भुत है भाई तो है ना माते माता सुनते ही हृदय में प्रेम होता है ना तो वहां पर रुक गई और पूछा माते आप रो क्यों रही बताया सारी घटना बताया कि हम स्वर्ग की देवी अप्सरा उर्वशी हैं आपके बगीचे में बहुत सुंदर फूल होते थे तो उस फूल लेने के लिए हम लोग आते थे लेकिन कल जो है सो बैंगन के कांटे में फंस गया और मैं यहीं रह गई बोले अच्छा बोले बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए राजा रूपांगत ने प्रश्न किया राजा रूपांगत के प्रश्न को सुन करके देवी उर्वशी कहते हैं महाराज क्या आपके राज्य में कोई एकादशी करता है तो राजा रूपांगत कहते हैं एकादशी ये कौन सी चिड़िया का नाम है हमने नहीं सुना जी अच्छा महाराज आप पता करो थोड़ा आपके राज्य में कोई कल गलती से भी भूखा रह गया हो बोले ओके देख लेता राजा रूपांगत ने पूरे राज्य में अनाउंस करा दिया कि भाई जो है सो अब अगर कोई भूखा रह गया है तो हमसे संपर्क कर उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा जो भी हो बोला बोले ठीक है उसी समय माता जी एक आई और कही कि मैं कल गलती से उपवास लगा उपवास रह गई मतलब कुछ खाई नहीं अन्न जल ग्रहण नहीं किया बोले क्यों तो पता चला कि वो किसी सेठ के इधर काम करती थी और सेठ बड़ा कंजड़ व्यक्ति था तो बोला कि महाराज मेरे से कुछ गलती हो गई कुछ बर्तन टूट गया और उस सेठ ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया खाना पीना नहीं दिया बोले ठीक है चलो लेकर के आया देवी उर्वशी के पास लाया बोला तुम कल उपवास रह गई थी बोले यस मैं कल उपवास में रह गए थे बोले ठीक है तो अब बोले ठीक है हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि कल अनजाने में जो उपवास में रह गई थी उससे जो फल मुझे प्राप्त हुआ है वह फल देवी उर्वशी को लग जाए और जैसे ही यह संकल्प लिया भक्तों तुरंत वह देवी उर्वशी स्वर्ग लोक को चली गई हरे हो है ना तो अब देखना ये है कि वह माता जी वह महिला बिना इस भावना के कि मैं एकादशी करूंगी एकादशी रही थी उपवास कर ली थी अन्न जल नहीं ग्रहण की थी और इतना फल उसे मिला एकादशी करने का कि वह देवी उर्वशी को ट्रांसफर किया तो देवी उर्वशी स्वर्ग लोक में चली गई थोड़ा सोचो कि अगर हम भाव से प्रेम से भगवान की भक्ति करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जप करते हुए अगर हम एकादशी करेंगे तो क्या भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होंगे जरूर प्रसन्न होंगे भक्तों एकादशी को कतई अन्न नहीं खाना चाहिए कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए कभी भी नहीं भूल के भी नहीं पहाड़ फट जाए तो पहाड़ फटने दो लेकिन अन्न मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए अन्न बोले तो दाल चावल तिल गेहूं जौ ये सब क्या है अन्न है तो इसको हम लोग नहीं खा सकते क्यों क्योंकि उस दिन भगवान ने मूर नामक के असुर को अन्न में भाग दिया है अन्न में स्थान दिया है कि तुम उस दिन एकादशी तिथि को कहां रहोगे अन्न में रहोगे और जो जो अन्न को ग्रहण करेंगे उसके हृदय में तुम जा करके विराजमान हो जाओगे मैं आप लोग को डांट नहीं रहा हूं अथवा नीचे नहीं दिखा रहा हूं ध्यान रखिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा जो भी व्यक्ति कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो एकादशी को अन्न नहीं खाया तो उसने क्या खाया पाप खाया मेरे शब्द नहीं है मैं पहले ही बोल दिया हूं
कोई क्रोधित ना हो कि प्रभु जी बड़ा हार्ड शब्द बोलते हैं, मेरे शब्द नहीं है। किसके शब्द हैं? शास्त्र के शब्द हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है जो एकादशी को अन्न खाता है वो अन्न नहीं पाप खाता है, केवल पाप। और भी थोड़ा खराब शब्द सुनेंगे? कितना काफी है, सुनेंगे क्या? अगर सुनना है तो थोड़ा जमीन पकड़ के बैठो, कहीं पीछे हट जाएंगे तो छोड़ देता हूं, नहीं बोलता हूं। तो एकादशी तिथि को कभी भी कतई अन्न नहीं खाना चाहिए। अब खाओ ना, अरे अब बताओ 15 दिन में अगर एक दिन नहीं खाओगे मर तो नहीं जाएंगे ना? अब देखो हम तो नहीं खाते हैं, बोलेंगे ब्रो जी आप तो बहुत पतले दुबले हैं, हमारे साथ और भी लोग आए, अनिरुद्ध प्रभु को देखो कहां पतले दुबले हैं बताओ। देखो हमारे पप्पू प्रभु को, आदर्श को देखो, कहां पतले दुबले हैं। अब मेरा तो शरीर ही ऐसा है। तो एकादशी नहीं करेंगे, एकादशी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि शरीर छूट जाएगा, कैसे बचेंगे हम लोग एक दिन अन्न नहीं खाएंगे? तो भगवान ने बहुत सारी व्यवस्था की है। फल खाइए, सब्जियां खाइए, क्या दिक्कत है? सेंधा नमक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकादशी अवश्य करिए। क्या क्या नहीं खाना है बताओ, थोड़ा लिस्ट। दाल, क्या किसी भी प्रकार का दाल नहीं, चावल, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, ये सब नहीं खाना है। आप लोग तो जानते हैं, समझदार है। चना चलेगा क्या? नहीं खा सकते, ठीक है। तो एकादशी को अन्न मत खाना। एकादशी को अन्न खाया तो बता ही दिया है। और वैसे भी ऐसा रिसर्च है हमारे साइंस में कि भाई जो 15 दिन में एक दिन उपवास करता है ना, आप लोग सर्च कर लेना, उसके शरीर में एक सफाई प्रक्रिया शुरू होती है। क्या नाम है उसका मालूम है? ऑटोफॉगी। कौन सा? ऑटोफॉगी। कल देख लेना आप लोग। अब यह ऑटोफॉगी क्या करता है कि हमारे शरीर के जितने भी कचड़े हैं उसको उपवास रहने से बाहर कर देता है, यहां तक कि कैंसर होने की जो चांसेस हैं उस व्यक्ति के बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जो एकादशी करता है। जो वायरस होते हैं कैंसर के, वो मर जाता है अगर कोई व्यक्ति एकादशी करता है। इसीलिए भक्तों जरूर एकादशी करें। आइए आज से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। हम लोग भागवत कथा की ओर प्रस्थान करें। आप सभी भक्तों का हम लोग स्वागत करते हैं। गांव में बस इतने ही लोग हैं? हीरे की दुकान पर सब थोड़ी जाता है। ये भी बात जबरदस्त बात है जी। हीरे के पास सब नहीं जाता, हीरे के पास तो थोड़ा होना चाहिए ना, तब तो जाएंगे हीरा खरीदने के लिए। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी जो भी भक्त लोग यहाँ पे आए हैं सबका स्वागत करता हूँ। इस कथा के आयोजक, इस गांव के कुल पुरोहित, इस गांव के मुखिया जी जो आए हुए हैं, और जो भी माता जी प्रभु जी आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। देखिए मैं सर्वप्रथम यह स्वीकार करता हूं कि मैं कोई साधु, कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई महात्मा, कोई ऋषि नहीं हूं। मैं एक साधक हूं, अपने आप को साध रहा हूं।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ, भगवान की कथा करने का प्रयास कर रहा हूँ, भगवान के नाम जप का प्रयास कर रहा हूँ। और इस कथा में निश्चित है कि मुझसे गलतियां होंगी, पुनः मैं बताऊं कि मैं कोई विद्वान नहीं, गलतियां करना तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है। और भक्तों एक और बात, आप अन्य अन्य कथाओं में जाते होंगे, बहुत सारी कथाएं होती ही रहती है, हजारों कथाएं होती है, लेकिन इस मंच की, इस कथा की विशेषता क्या है, इस कथा की विशेषता क्या है कि यहां पर जो बोला जाएगा वो कहां से बोला जाएगा, अपने मन से। कहां से, कहां से बोला जाएगा, शास्त्र से, अपने मन से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मन का क्या भरोसा, अभी यस्को में है, थोड़ी देर बाद देवरी में, और थोड़ी देर के बाद गिरिडीह में, और थोड़ी देर बाद बॉम्बे, बॉम्बे करो क्रॉस करते हुए सात समुद्र पार करते हुए अमेरिका, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा होगा, मन की कोई भरोसा नहीं है भक्तों, कोई भरोसा नहीं है हमारे मन का। इसीलिए मन का अगर कोई कहे कि अरे अपने से कुछ कहिए, अपने से हम क्या कह सकते हैं बताइए, कुछ कह सकते हैं अपने से, नहीं कह सकते, हम केवल और केवल शास्त्र का कह सकते हैं, क्योंकि मन तो चेंज होते रहता है ना। इस जगत में देखिए जितने भी सारे बुक्स लिखे जाते हैं उसके कुछ अपडेटेड वर्जन आते हैं, है ना, जैसे आप देखते होंगे न्यूटन लॉ, है ना, न्यूटन का लॉ दूसरा, न्यूटन का लॉ तीसरा, एक दो तीन चार पांच बढ़ते ही रहता है। लेकिन कभी सुना श्रीमद् भागवतम 2.0? नहीं, श्रीमद् भगवत गीता 2.0 कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो कह दिया, भगवान ने जो बोल दिया, भगवान ने जो कर दिया, वह क्या हो गया, फिक्स हो गया, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हमारी आपकी बात चेंज हो सकती है, हमारी आपकी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान की बात कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। ध्यान रखिए इस बात को, कभी भी भगवान की बात चेंज नहीं हो सकती है। इसीलिए यह जरूरी है, हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि अरे शास्त्र हमें समझ में आएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाऊं, सरल से सरल भाषा में। तो भक्तों श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पहले श्री वेद व्यास जी, श्री वेद व्यास जी भागवत के श्रोताओं को भागवत महात्मा सुनने की निर्देशन करते हैं, क्योंकि हम यहां लगातार 7 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे, परंतु अगर भागवत जी की महिमा ही हमें नहीं पता, अगर हम भागवत जी की महिमा ही नहीं जानेंगे, तो फिर हम भागवत कथा का श्रवण ठीक से नहीं कर पाएंगे। किसी चीज के प्रति अगर महिमा नहीं जाने, जैसे आप लोग एकादशी की महिमा नहीं जानते थे तो नहीं करते थे, अब जान गए हो कितने लोग करोगे, हरी हरी हो, आप लोग नहीं करेंगे, नहीं करना पाप लग जाएगा, सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। जब तक हम महिमा नहीं जानते ना, तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ना तथा श्रद्धा लोके, श्रद्धा नहीं होती है। इस संसार में जब तक हम किसी भी विषय की महिमा नहीं जानते हैं, तब तक हम उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। वैसे ही जब तक हम भागवत जी की महिमा नहीं जानेंगे, तब तक भागवत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी।
और भागवत के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो भागवत सुनने का पूर्ण फल नहीं मिलेगा भक्त, पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ये भागवत कथा सुनने का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब हम भगवान के प्रति, भागवत के प्रति पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनेंगे। मैंने पिछले कथा में सुना कि किस प्रकार एकादशी तिथि करने से ही केवल गलती से उसके विषय में जान लेने से देवी उर्वशी स्वर्ग लोक को चली गई। कहां चली गई? स्वर्ग लोक को चली गई, है ना। तो अब और जैसे ही राजा रूपवांगत यह चीज को सुने तो वह भी श्रद्धा हो गई उनकी और वह भी एकादशी करने लगे, है ना, एकादशी करने लगे क्योंकि श्रद्धा बन गई एकादशी के प्रति। इसीलिए प्रारंभ में ही वेद व्यास मुनि भागवत कथा की महिमा सुनने का निर्देशन करते हैं। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं कि यज्ञ दान अथवा कोई भी अन्य आध्यात्मिक कार्य भक्ति साधन जो है उसका फल तब तक पूर्ण नहीं मिलता है जब तक कि हम उसे श्रद्धा के साथ नहीं करें। और एक अद्भुत बात तो मैं आपको बताऊं कि यह जो भागवत महापुराण है ना, इसकी महिमा भागवत में नहीं है। देखिएगा, भागवत जी की महिमा अन्य अन्य शास्त्रों में है, भागवत जी में किसी प्रकार की महिमा का वर्णन नहीं। श्रील प्रभुपाद ने तो अपने भागवत में रखा भी नहीं, अन्य भागवत में रखते हैं लोग, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने नहीं रखा है, है ना। भागवत जी की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, पद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण इत्यादि ग्रंथों में है, लेकिन भागवत जी में बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। देखिए, श्रीमद् भागवत अभी नहीं खुला है, प्रवेश नहीं किए हैं, और प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। क्या? भागवत जी की महिमा का वर्णन भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में है। श्रीमद् भागवत, यदि भागवत स्वयं अपनी मुख से अपनी महिमा का वर्णन करे तब तो उसे आत्मश्लाघा का दोष लग जाए। आत्मश्लाघा मतलब क्या हो जाए? आत्मश्लाघा मतलब होता है एक संस्कृत शब्द है आत्मश्लाघा, है ना। इसका मतलब है अपने मुख से अपनी प्रशंसा, और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना भक्तों ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। और इसीलिए भागवत अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, है ना, बड़ा दोष माना जाता है। जो भी व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है मतलब सोच लो उसमें कुछ है ही नहीं। भागवत अपनी महिमा अपने से नहीं करता, इसकी महिमा का वर्णन पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में। और भक्तों, हमारे संतों भी ने कहा ना, क्या बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले वो हीरा मुखशे कब कहे, लाख हमारा। आचार्य ने कहा कि आदमी जो बड़ा आदमी होता है ना, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, कभी नहीं करता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने मुख से जो अपनी बड़ाई कर रहा है ना, उसे बड़ा कहा नहीं जा सकता। और महाभारत में तो यहां तक लिखा गया है कि जो अपनी बड़ाई अपने से करता है ना, उस व्यक्ति को मरा हुआ माना जाता है, मरा हुआ।
तो हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी अगर हम अपनी पढ़ाई अपने से नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा हम कितना महान है, समाज में कैसे पता चलेगा। एक बात बताइए, क्या सूर्य को कभी यह बताने का जरूरत पड़ता है कि मैं कितना प्रकाशमान हूं? नहीं, प्रकाशित हुए बिना रह नहीं सकता सूर्य। सूर्य को यह प्रचार नहीं करना पड़ता है कि मेरे अंदर इतना तेज है, देखो ना। महान व्यक्ति की महानता को बखानने की जरूरत नहीं है, खुद से वो खुद पता चल जाता है आचरण से। वेद व्यास जी का ऐसा कहना है कि भागवत पुराण को पढ़ने अथवा सुनने से पहले पद्म पुराण की महिमा को सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। तो पद्म पुराण में भागवत महात्म के अनेक अध्याय हैं, तो अनेकों अध्याय हैं। उनमें से प्रथम अध्याय इस प्रकार से है कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, आप लोग जानते होंगे महाराज परीक्षित का नाम सुना है? यही देवरी में रहते थे पहले, चतुरो में कहां पर? अच्छा गिरिडीह में रहते होंगे, थोड़ा बड़ा है। कहां रहते थे? चलिए बाद में बताएंगे। महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा और सुखदेव जी गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनना प्रारंभ किया। जैसे ही सुखदेव जी कथा प्रारंभ करने जा रहे थे तो कहते हैं उसी समय स्वर्ग से देवता गण आए, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। और क्या कहते हैं? परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्थिते मुनिः सुधा कुम्भगृहीत्वेन देवास्तत्र शमागतम्। जब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज भागवत सुनाने के लिए जा ही रहे थे, कथा को सुनाना शुरू ही कर रहे थे, तो कहते हैं उसी समय स्वर्गलोक से सभी देवी देवता वहां पर उत्पन्न आ गए, परिचित की सभा में आ गए और खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर के आए? सुधा कुंभ। सुधा कुंभ मतलब अमृत का कलश है ना। और सुखदेव जी के पास गए और सुखदेव जी को निवेदन करने लगे कि हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, आप परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हो, आप परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हो, एक काम करो, आप परीक्षित को भागवत कथा अमृत पिलाने जा रहे हो, आप एक काम कीजिए, ये भागवत कथा अमृत हमें पिलाइए और भागवत कथा अमृत के बदले हम आपको स्वर्ग का अमृत प्रदान करेंगे, स्वर्ग का अमृत पिलाएंगे। दूसरे शब्दों में ये देवतागण सुखदेव जी गोस्वामी से बिजनेस करने लगे, सौदा करने लगे। देवताओं को लगा सुखदेव जी गोस्वामी महाराज को ये अमृत दे देंगे और उनसे भागवत कथा सुन लेंगे, परंतु शास्त्र का सिद्धांत है भक्तों, ये भागवत कथा अमृत का धन देकर, भागवत कथा अमृत धन देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखो, धन से हम उसको नहीं खरीद सकते हैं। भागवत पैसे से धन से नहीं खरीदा जा सकता है, भागवत भक्ति प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। देवताओं ने व्यापार कर दिया, तब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज बड़ा बुरा लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ और कहने लगे कि देवराज तुझे अभी भी बुद्धि नहीं आई, तुझे अभी भी बुद्धि नहीं आई, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने ये तुच्छ अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत से कर दी,
तुच्छ अमृत की तुलना भागवत कथा से कर दी। अरे कहां तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा अमृत, कहां तुम्हारा स्वर्ग का ये तुच्छ अमृत टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान और कहां श्रीमद् भागवत कथा अमृत हीरे के समान। अब हीरे की तुलना कोई शीशी से कैसे कर सकता है इंद्र? आज तुमने भागवत का अपमान कर दिया है, अपराध कर दिया है। सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया और कह दिया कि यहां से चले जाओ नहीं तो श्राप दे दूंगा, अभी तुरंत श्राप दे दूंगा, भागो भागो भागो। भाग गए देवता आ गए तो वहां से चले गए भक्तों, लेकिन एक सिद्धांत स्थापित करके गए कि किसी भी स्थिति में भागवत को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, श्रद्धा भक्ति और प्रेम से ग्रहण किया जा सकता है। भागवत को सुनकर हृदय में पवित्रता, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार तो करिए कि कभी नहीं मरने वाले देवता भी भागवत कथा सुनने के लिए तरसते हैं। क्या महत्व है इनका, क्या है भागवत कथा में? और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से आज हमारे इस गांव में भागवत कथा हो रहा है, तो गांव के लोग सोने के लिए तरस रहे हैं। अद्भुत अद्भुत ग्राम, अद्भुत ग्राम के वासी। प्रभु जी ने इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अद्भुत जो आयोजक है उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, प्रचार भी किया है, लेकिन ध्यान रखिए पकड़ पकड़ के बिठाया नहीं जा सकता। कथा तो खुद से सुननी पड़ेगी ना, कान तो ये अपना नहीं दे देंगे ना। बैठने के लिए आसन दे सकते हैं, पंडाल दे सकते हैं, सुनने के लिए स्पीकर लगवा सकते हैं, लेकिन कान तो अपना लगा के नहीं दे देंगे, लो इससे सुनो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी। ये तो ऐसा ही हुआ, कोई व्यक्ति गंगा के किनारे मर जाए, क्यों मर गया? तो प्यासा मर गया। इतनी बड़ी गंगा नदी बह रही है, अब इसमें भी कोई जल ना पीवे तो गंगा देवी का क्या दोष? दोष तो हमारी मूर्खता का है, हमारी बुद्धि का है कि इतनी सुंदर भागवत कथा हो रही है लेकिन हम यहाँ पर आए नहीं। ये दोष तो हमारा है। तो भक्तों, इस संसार में भागवत कथा जो है ना बहुत अद्भुत है और बड़े फल बहुत पुण्यों के बाद मिलता है। इस जीवन में जीवन जीने की कला तो बहुत लोग सिखाते हैं, ऐसे योग करो, ऐसे नाक बंद रखो, ऐसे आंख बंद रखो, ऐसे माथा नीचे पांव ऊपर करो, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डेथ कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है कि कैसे मरा जाए कि फिर दोबारा मरना ना पड़े। भागवत में बताता है कि किस प्रकार से हम भागवत को पढ़ें और भागवत को सुनें। इस प्रकार ये भागवत की कथा जो है तो बड़ी अद्भुत कथा है। आप सभी लोग आइए और इस कथा का श्रवण करिए। दूसरे महात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन, आप जानते हैं ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं जिनका नाम है सनकादिक, है ना? तो कहते हैं ये सनकादिक एक दिन विचरण करते 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 कहां पहुंचे? बद्रीनाथ पहुंचे।
है ना। बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ पहुंच करके उन्होंने एक अद्भुत दृश्य, क्या दृश्य देखा? उन्होंने देखा कि भगवान के परम भक्त कौन है? भगवान के परम भक्त परम कृपालु श्री नारद जी चिंतित हैं। नारद जी आप लोग जानते हैं? नारद जी मैंने कौन? वही जो झगड़ा कराता है प्रभु जी, है ना? नारद जी मतलब वही ना जो झगड़ा कराता है? नहीं भक्तों, नारद जी जो है ना झगड़ा कराने वाले नहीं। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, परम पवित्र भक्त, परम शुद्ध भक्त। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया नारद मतलब जिसकी बात को भगवान भी रद्द ना कर सके उसे नारद कहा जा सकता है। हमारे ही तरह नारद जी, हम लोग उनकी तरह कह सकते हैं। हम लोग भी प्रीचिंग करते हैं, उपदेश देते हैं, भगवान की कथा करते हैं, नारद जी भी यही करते हैं। वो लोग भी भगत बनाते हैं, नारद जी भी, हम लोग भी भगत बनाते हैं, लेकिन उनके भगत बड़े उच्च क्वालिटी के। कौन कौन भगत बनाए उन्होंने बताओ? ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को इतना प्रेम से समझाया कि 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त करा लिया। प्रहलाद महाराज, इनके भक्त जो है बड़े उच्च कोटि के भगत हैं। इनके स्टूडेंट्स जो है ना, शिष्य जो है, बड़े उच्च कोटि के हैं। तो ऐसे नारद जी के विषय में बड़ी गलत धारणा पहुंची हुई है और उसको हम हमारे टीवी चैनल वालों ने पहुंचाया है, है ना? बड़ा मजाकिया तौर से दिखाते हैं नारद जी को, बहुत गलत है, ध्यान रखिए, बहुत गलत है। तो नारद जी एक बार ये चारों कुमार बद्रिका आश्रम गए और उधर से नारद जी भी आ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि उस समय देखे क्या देखे? कथम ब्राह्मण दिक्मुख कुत सृजित चतुर चतुर भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं। देखा कि नारद जी बड़े चिंतित दिख रहे हैं, बड़े चिंतित। समानतः इनके चिंता में होते नहीं है, बड़े दिव्य पुरुष हैं, लेकिन आज बड़े चिंता दिख रहा है। और कैसे चिंता दिख रहा है इनको? तो कह रहे हैं जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन लूट गया हो। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग बड़े लोभी होते हैं और उनसे उनका धन छीन लो तो लगेगा पूरा जीवन ही छीन लिया है मेरा। तो ऐसे लोभी व्यक्ति का धन छीन लिया गया हो ऐसा लग रहा था। नारद से पूछा गया कि नारद आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? किसने आपके धन पूछे? नारद कि महाराज मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में गया। कहाँ गया? पृथ्वी में गया और पृथ्वी में आते ही यहाँ पर दुखी हो गया। सोचना पड़ेगा जब नारद जी इस पृथ्वी पर आकर के दुखी हो गए तो हम लोग यहाँ पर आकर के दुखी हो रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी फिर कहाँ जाना चाहिए? भगवत धाम। कहाँ जाना चाहिए? भगवान का धाम। तो मने प्रश्न हुआ, बोला नारद जी सनकादि को मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पर के पृथ्वी लोक पर गया और जैसे ही पृथ्वी लोक पे गया तो कहां कहां गया? तो कहते हैं हरि क्षेत्रम कुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रमणाम। मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी लोक पे गया और वहां पर मैं
पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी नासिक हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध इन कई तीर्थों में विचरण करता रहा और करते करते मैं इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम लोक वृंदावन को समझ करके वृंदावन गया। कहाँ गया? वृंदावन गया। वृंदावन के नाम में ही एक अद्भुत, अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वृंदावन कितना अद्भुत लगता है सुनकर ना। थोड़ा एक बार आप भी बोलिए तो, वृंदावन बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी बोलो, वृंदावन बहुत अद्भुत है वृंदावन। तो मैं वहां पर गया जहां पर भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है, बहुत सारी क्या किया है, लीलाएं किया है। और जैसे ही मैं वहां गया, मैं यमुना के तट पर घूम रहा था, उसी समय हमने देखा कि वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक स्त्री जो खिन्न मन से बैठी थी, कैसे बैठी थी, खिन्न मन से बैठी थी, और उसके पास दो वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे, दो वृद्ध दो बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए थे। वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा और उस स्त्री के दोनों बाजू दो पुरुष लेटे हुए थे। वो स्त्री दोनों पुरुषों को जगाने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन वह जग नहीं रहे थे। और जब मैं वहां से गुजरा तो वह स्त्री बोलने लगी, क्या भो भो साधु क्षणम कृष्टम मचिनमांतपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वाथ सर्वाथ गरम हरम पापा हरम। हे साधु थोड़ा रुको तो, हे साधु थोड़ा रुको तो सही। बोले क्यों क्यों रुके? तो कहते हैं भो भो साधु, हे साधु थोड़ा रुको तो सही। पूछा कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्यों मुझे रोक रहे हो? आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाह रही हो? पूछने पर बताया, क्या बताया, कि मैं भक्ति महारानी हूं। कौन हो? भक्ति देवी हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि जो माता है वह जवान है और जो पुत्र है वह दोनों कैसे हैं? वैराग्य हो गए, मतलब बूढ़े हो गए। पूछा, कैसा तुम माता हो? जनरली तो इस जगत में ऐसा ही होता है, बाबा आप पांव समेट के बैठो, देखो आपके पांव के सामने भगवान है। कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, जनरली माता बुजुर्ग होती हैं, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहां पे बच्चे बूढ़े और माता जवान, ये कैसा? तो बताते हैं कि हम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूं। और क्या कह रही है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटको गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम गता। क्या कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई, नहीं क्षमा चाहूंगा, कहां पे उत्पन्न हुई? कर्नाटक में, नहीं क्षमा चाहूंगा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और बढ़ी कहां पे? कर्नाटक में। और धीरे 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 कर्नाटक में मुझे सबने स्वीकार किया। फिर मैं महाराष्ट्र में गई तो महाराष्ट्र में मुझे कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं धीरे धीरे कर करके वहां से बुजुर्ग होती गई। और फिर वहां से धीरे 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 करते मैं गुजरात चली गई और वहां पे मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से मैं क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। वहां घोर कलियुग के पाखंड से मेरे यज्ञ भंग कर दिए गए और मेरे ये दोनों पुत्र क्या हो गए? बूढ़े हो गए। और फिर मैं वहां से किसी प्रकार से चलते 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 वृंदावन आ गए, बड़े मुश्किल से वृंदावन आ गए।
वृंदावन के प्रभाव से मैं तो पुनः ठीक हो गई, लेकिन मेरे यह पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भक्ति महारानी के पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य, याद रखना, ये भी कल का होमवर्क है। भक्ति महारानी के पुत्र का नाम गेरा ज्ञान और वैराग्य। कमे में भक्ति महारानी, ये ज्ञान और वैराग्य, ये वृंदावन के प्रभाव से मैं तो ठीक हो गई, लेकिन यह ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए हैं? अभी तक अचेत अवस्था में है और बूढ़े। अतः महाराज आप कुछ करो, ये मेरे दोनों पुत्र सुख करके काट के समान हो गए हैं, दोनों अचेत अवस्था में, महाराज काट की तरह कठोर हो गए हैं। नारद जी वेदांत ध्वनि करने लगे, वेदांत घोष करने लगे और गीता पाठ भी सुनाने लगे, फिर भी उसे होश नहीं आया। होश तो होश आने की दूर बात तो दूर रही, वह हिले भी नहीं, हिले भी नहीं। फिर वहीं से चिंतित अवस्था से भक्ति महारानी ने उन्हें कहा कि मैं जानती हूँ नारद जी, मैं जानती हूँ वो साधु है, साधु आप वही है ना जिन्होंने ध्रुव के ऊपर कृपा किया, तो 6 महीने में ध्रुव ने किसको प्राप्त कर लिया? भगवान को प्राप्त कर लिया। और प्रहलाद महाराज, अरे वो तो गर्भ में ही थे, आपने गर्भ में इतनी कृपा कर दी कि वह गर्भ से निकलते ही भगवान को प्राप्त कर ली। ये मेरे दोनों पुत्र की ऊपर कृपा करो। तो नारद जी सनकादिकों को यह कथा बताते हुए कहते हैं कि महाराज यही स्थिति है, अब बताइए कि उनका उद्धार कैसा होगा। सनकादिक समझ गए और कहने लगे, नारद नारद उनका उद्धार कराने के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करना पड़ेगा। बोले ठीक है, कर लेंगे। बोले लेकिन नारद श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के लिए 4 चीज की आवश्यकता है, क्या क्या? पहला तो बोला स्थान, क्या स्थान? पहला तो स्थान चाहिए। अब स्थान के साथ साथ गान, तो प्रभु जी ने यहाँ बहुत सुंदर स्थान का भी चयन किया है, चारों सुंदर एकदम खुला मैदान है, बहुत सुंदर अद्भुत, खुली खुली हवा, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, गाने के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर भगत आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। अब तीसरी चीज क्या है? क्या? गान। अब नहीं तो फिर बहुत सुंदर वक्ता है, बहुत सुंदर गान है, बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन कान नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, कान भी चाहिए। तो खैर आप बहुत लोग आए हैं और बहुत शांति से बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये बहुत अद्भुत बात है ना, ये बहुत अद्भुत बात है। दो ही लोग आवे लेकिन अच्छे से कथा सुने ना, तो वक्ता का मन लग जाता है। और नहीं तो 50 लोग आए, हजारों लोग आए हैं, कुछ लोग उधर बैठ के गप, कुछ लोग इधर, देखो सो गए प्रभु जी, तकिया दो उन्हें, नहीं चाहिए, ऐसे ही नींद ले रहे हैं। तो ये 4 अवस्था चाहिए। और उसके बाद क्या बताया कि प्रभु, और उसके साथ ही साथ भागवत कथा में बहुत सुंदर प्रसाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर प्रसाद भी होना चाहिए, तब जाकर के भागवत कथा हो सकता है। बोले नारद जी ने कहा बहुत सुंदर बात है, हे सनकादिकों आप लोग भागवत कथा करो और मैं बहुत सुंदर आनंदवन, हरिद्वार में आनंदवन स्थान है, बोले आनंदवन में इस भागवत कथा का आयोजन करूंगा, बहुत सुंदर वन है, बहुत सुंदर वहां पे फील्ड है, आराम से बैठ के सुनेंगे, प्रसाद के लिए आनंदवन में बहुत सुंदर सुंदर फल है, उसको तोड़ूंगा और भोग लगाऊंगा और सबको बांटूंगा। लेकिन लेकिन महाराज हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। बोले क्या? बोले भगवान
मैंने उनके कानों में वेदों का तो पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन होश क्यों नहीं आया? और ये भागवत, ये भागवत क्या है? वेदों का ही फल है ये भागवत, वेदों का ही सार है ये भागवत। तो फिर इन्हें होश, ये भागवत सुन करके क्या शास्त्र, जब वेद से नहीं आए। बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि नारद, फल के रस को चखने के लिए फल खाना पड़ता है, जड़ और तने में रस नहीं मिलता है। ये आम के पेड़ लगे ना आपके द्वारा, आपके आपके द्वार पर, अब कोई व्यक्ति आम की पत्ती चबावे स्वाद आएगा, या फिर कोई जड़ को तोड़ तोड़ के खाए स्वाद आएगा? नहीं आएगा। आम का वास्तविक स्वाद चाहिए तो क्या खाना पड़ेगा? आ रहा है महीना, अभी थोड़ा समय समय, लेकिन अभी आम की चटनी खा सकते हैं आप लोग। तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा समस्त वेदोपनिषदों का सार से बनी है, इसलिए उत्तम है। जैसे रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखाओं में पर्याप्त होता है, फिर भी वह वहां से उसको स्वादन नहीं किया जा सकता, स्वाद नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से दूध में घी होता है, घी कहां से निकलता है? दूध से ही निकलता है। लेकिन कोई दूध पिएगा तो घी का स्वाद ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है, उसे छांट करके निकालना पड़ता है। जिस तरह से ईख में ही गुड़ होता है, लेकिन ईख से गुड़ का स्वाद नहीं लिया जा सकता है, उसी प्रकार से वेदों में भागवत है, लेकिन वेदों को पढ़ करके भागवत का स्वाद नहीं किया जा सकता। उसको पढ़ने के लिए भागवत को ही पढ़ना पड़ेगा, भागवत को ही सुनना पड़ेगा। इस प्रकार संकादिक ने नारद जी के साथ कहा, नारद नारद रथ कथा का आयोजन को, नारद जी कथा कराने के लिए गंगा के तट पर आ गए। और जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह यह बात भक्तों पता चली गई, सबको यह बात पता चल गई, और समस्त देवी देवता समस्त लोग सब लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आ गए। और कहते हैं कि उस समय जैसे ही इस ज्ञान और वैराग्य को पता चला कि हरिद्वार में बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ है, कहते दौड़ते हुए वहां से वृंदावन से चल दिए और हरिद्वार के आनंद वन में आ गए और भागवत कथा श्रवण करने लगे। कहते सभी लोग कथा सुनने के लिए दौड़ते चले आए। कहते भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम ऋषि, राधे राधे हरे कृष्ण हरि बोल। श्री राधे, नहीं नहीं बैटरी नहीं डाउन है, बैटरी डाउन है, ईक्यू कम मल रहा है वहां। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण हरि बोल, आवाज सही करो, हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल। कथा में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कथा में डिस्टरबेंस करने से रस खत्म हो जाता है। हरे हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री राम, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? क्या चर्चा हो रहा था? हाँ, तो नारद जी ने बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया। कहाँ पर? कहाँ पर? क्या ही बताया, हरिद्वार में आनंद मन में स्थापित किया, बहुत सुंदर स्थापित किया। और कहते हैं जैसे ही भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को पता किया, पता चला दोनों भागवत कथा सुनते ही, भागवत कथा का नाम सुनते दौड़ते दौड़ते आनंद मन चले गए। कहते चारों सभी लोग चारों लोकों में यह पहुंच गया और सब लोग आने लगे। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए। मेघातीत आए, देवल आए, देवरथ आए, परशुराम जी आए, विश्वामित्र आए, सकल आए, मार्कंडेय आए, दत्तात्रेय आए, पिपलाद आए, योगेश्वर आए, व्यास आए, पराशर आए। जितने भी जीव जंतु, बहुत सारे ऋषि मुनि, अनेक अनेक लोग अपने अपने शिष्यों के साथ आए। और कहते हैं जो लोग अपने गर्व के कारण नहीं आए कि मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगा, उनको भृगु ऋषि समझा बुझा करके लेके आए। गंगा नदी आई, पुष्कर आए, पुष्कर आदि सरोवर आए, कुरुक्षेत्र आदि समस्त तीर्थ स्थान आए, हिमालय आदि पर्वत आए, गंधर्व आए, दानव आए, विद्याधर आए, सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आए। और उस समय जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ, शंख आदि बजने लगे, फूलों और गुलालों की वर्षा होने लगी। सभी देवता अपने अपने विमानों के ऊपर बैठ करके आ करके पुष्पों से पुष्पों का पुष्पों की वृष्टि कर। और जैसे ही भक्तों कहते हैं जैसे ही यह कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान और वैराग्य कथा सुनने के लिए दौड़ते हुए आए और बैठ करके कथा सुन। प्रथम दिन की कथा था पर समाप्त हुई, बहुत सुंदर। कहते हैं ज्ञान वैराग्य धीरे 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 करके बैठने लगे, दूसरे दिन में धीरे धीरे करके खड़े होने लगे। और कहते हैं अंतिम दिन होते होते बहुत सुंदर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हुआ। और हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करते ही वह ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर बहुत सुंदर नाचने लगे। हरि ओ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ताली बजाते हुए, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ba
भक्तों ये कथा हो रही है, कथा को हमें अपने जीवन में उतारना है। हमने क्या देखा कि ज्ञान और वैराग्य कथा सुनने के लिए आए और कथा सुनते ही सभी लोग खड़े हो गए, परम बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए और नाचने। हमें क्या चाहिए कि हम अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, खड़े हो, सभी लोग खड़े हो जाइए और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण। शरीर को हिला सकते सभी लोग, माता जी लोग एक टीम बनाइए, इधर नाचिए, प्रभु जी लोग एक अलग टीम होना चाहिए, प्रभु जी को इधर रखो, सब लोग एक स्थान पे आ जाइए, बहुत कम लोग हैं, और खड़े हो जाओ, आपके पांव अगर ठीक है तो खड़े हो जाओ। प्रभु जी लोगों को देखो, सुनील प्रभु उधर, माता जी को छोड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा के कुछ नियम है जो मैं आपको बताने भूल गया। कथा में अगर आवाज होती है तो मैं कथा बंद कर देता हूँ जी, कथा नहीं करता हूँ, और अगर कीर्तन में नाचते नहीं है तो कीर्तन बंद कर देता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं, इतना सुंदर कीर्तन बंद कर दूं, क्या चाहते हैं आप लोग बताओ, थोड़ा बंद कर दे कि नाचना है, नाचना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। अरे अपने मित्रों को भी नचाओ सोनाक्षी माता, हरे राम 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 हरे। भाग के खेत में चले जाओ बेटा, भाग जाओ, अरे पाप लग जाएगा नाचने में, वो डीजे के फालतू वाले गाने आते हैं ना गाली, उसमें नाचना, भगवान के सामने मत नाचना। जय हो नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा,
के भजोरे मन को सोए सोए भगवान का नाम कीर्तन करता है ना, लेकिन जब कोई व्यक्ति सोए सोए भगवान का नाम कीर्तन करता है ना, तो भगवान उसके सामने आकर के बैठ जाते हैं, बड़ा प्रेम से बैठ जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति बैठ के कीर्तन करता है ना, तो भगवान खड़े हो जाते हैं। जब कोई सो के कीर्तन करता है तो भगवान आके बैठ जाते हैं, खड़े हो बैठ करके कीर्तन करता है तो भगवान खड़े हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति बैठ खड़े होकर के कीर्तन करता है ना, तो भगवान नाचने लगते हैं। और जब कोई नाचते हुए कीर्तन करता है तो क्या होता है जी, जैसे ही कोई नाचते हुए कीर्तन करता है ना, भगवान उछल करके उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। अरे आप लोग भी आगे आइए, उन लोग को पकड़ पकड़ के आगे लेके आओ, उन लोग पीछे रह रहे हैं। सुनील प्रभु मदद करो, आपके गांव वाले लोग हैं, आगे लाओ पकड़ के और नचाओ। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, खड़े होकर के खाली कंजूसी कर रहा है। माताएं शादी ब्याह में तो खूब उछल उछल के नाचती हैं, फुदक फुदक तक, और भगवान की कथा में लाज लग रहा है, अद्भुत। जय हो हरीब को। Gracias.
ये नृत्य तो हो ही नहीं रहा है, बंद कर दे क्या? गांव के लोगों को नाचना नहीं है, इन्हें उत्सव नहीं लगते तो मैं क्या कर सकता हूँ? उत्साह है, बाबे हैं, बूढ़े हैं ना, इसलिए। अरे बूढ़े हैं तो क्या हुआ? ज्ञान विराग बूढ़े से जवान होकर के नाचने लगे, आप तो इतने बूढ़े नहीं है। अरे वो नहीं बाबा लोग, और जवान लड़के लोग जो है वो लोग पीछे हो जाओ, और पीछे चले जाओ, रोड पे चले जाओ, यहाँ शरण लगेगी। नहीं सभी माताएं ठीक है, नाच रही है, अपना भगवान मिली, नाचना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, नाचना है। नटवर नागर नंदा जोरे मन राधे राधे राधे, नटवर नागर नंदा राधे राधे राधे, नटवर नागर नंदा राधे 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 राधे, नटवर नागर नंदा नटवर हरे
किशन प्रभु एक टीम बनाओ प्रभु लोगों का बोल सरकार माता जी लोगों का एक टीम बनाओ सोनाक्षी माता एक टीम बनाओ सरकार सुनील प्रभु आप माता प्रभु जी लोग हमारे टीम में जाओ सब बुजुर्गों को भी जोड़ो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे टीम बड़ा करो टीम बड़ा करो कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यो धर्मराज हरि नाम संकीर्तन के जय निताय घोर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण बैठ जाइए तो इस प्रकार से वहां पर दिव्य हरिनाम संकीर्तन हुआ और उस दिन से ऐसा है भक्तों कि जो भी व्यक्ति
भगवान के दिव्य कथा का श्रवण करता है, भागवत का श्रवण करता है, उसके हृदय में स्वतः ज्ञान और वैराग्य विराजमान हो जाते हैं। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप भागवत कथा में जरूर आइए, अगर आपको वैराग्य चाहिए तो भी भगवत कथा में जरूर आइए। हरे कृष्ण। तो आज के कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओके, तो अब भागवत जी की आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद है। ओके, सो सबको प्रसाद मिलेगा। बिना आरती और प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगी। प्लीज प्रसाद लेकर के जाइए। और आज प्रथम दिन है तो आज कथा थोड़ा विलंब से शुरू हुई है, लेकिन कल से ठीक 6 बजे कथा प्रारंभ होगी। कितने बजे? 6 बजे। कथा सुनना है तो थोड़ा जल्दी घर पे खाना बनाइए, उसको ढक के रखिए, यहाँ से जाने के बाद खाइए अथवा आने से पहले ही खा लीजिए, ठीक है? क्योंकि कथा 7 दिन, यही तो तपस्या है, यही तपस्या, यही चीज भगवान देखते हैं। तो प्रसाद बाद में लीजिए, थोड़ा यहाँ पहले आ जाइए, कथा करिए, समाचार कथा सुनिए, कीर्तन करिए, नाचिए और फिर जाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कल का शेड्यूल इस प्रकार से है, कल 5:30 बजे मंगला आरती रखा गया है। कितने बजे? 5:30 मॉर्निंग, 5:30। सभी लोग जरूर आइए। जो मंगला आरती अटेंड करता है ना, उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही होता है। कभी उसके जीवन में कुछ अमंगल होता नहीं है। महाराज कहते हैं जो आवे मंगला वो ना होवे कभी कंगला। कंगला समझते हैं क्या होता है? कंगला मतलब कंगाल, तो वो कभी कंगाल नहीं होता है। तो जो लोग मंगला आरती आना चाहते हैं 5:30 बजे आइए। 5:30 से 6 मंगला आरती, 6 से 6:30 तक आधा घंटा जप। बहुत सुंदर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार भगवान के दिव्य नाम का जप माला के ऊपर किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद आधे घंटे का नगर संकीर्तन। कितने बजे? 6:30 बजे यहाँ से नगर संकीर्तन निकलेंगे आपके गांव में, ठीक है? आज कल तो हम लोग गांव में ही घूमेंगे, लेकिन परसों से अन्य अन्य गांव जाएंगे। तो प्रयास करेंगे जिनके पास जो गाड़ी हो गाड़ी की भी सुविधा दे सकते हैं, गाड़ियों की सेवा दे सकते हैं वो अन्य स्थान पर जाने के लिए, ठीक है? यही प्रोग्राम है। और शाम को ठीक 6 बजे। और ध्यान रखना चाहिए कि हमें वक्ता से पहले आकर के बैठ जाना चाहिए, ठीक है? इसीलिए पहले आकर के बैठिए। भागवत जी की मर्यादा है कि वक्ता से पहले आकर के बैठें, व्यासपीठ की मर्यादा होती है। तो आप सभी ग्रामवासियों को इन्फॉर्म भी करें, जिनको पता नहीं है उन्हें इन्फॉर्म करिए कि भागवत कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है। सुंदर लगा आपको सुनने में? अच्छा लगा? समझ में आया कुछ? मैं आशा करता हूँ, मैं थोड़ा साधारण तरीके से कथा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना? अगर बहुत ज्यादा संस्कृत श्लोक ये उच्चारण करूंगा तो पता चलेगा कि हमें समझ ही नहीं आया, पूरा समय उसमें ही बीत गया। मुख्य है हम इसको समझें और अपने जीवन में उतारें, है ना? तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि जितना साधारण से साधारण तरीके से आपको कथा सुना सकूं, ठीक है? हरे कृष्ण। आरती की थाली में हरे कृष्णा। तो हमारे बीच महाराज जी ने बहुत ही सुंदर भगवान के कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्रवण कराए और बुद्धि ज्ञान वैराग्य दौड़ाकर कथा सुनाकर यंग कर दिए, जवान कर दिए। तो प्रभु जी को हम लोग एक बार वहां मंत्र से धन्यवाद बोलेंगे। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग खड़े होकर इधर आ जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए और आरती करने के लिए साइड में आ जाइए। हरे कृष्णा। चप्पल निकाल कर, चप्पल कोई पहनना जरूरी नहीं, चप्पल को बाहर ही रखें। पंखा बंद कर दीजिए।
और ये जो कथा हो रही है इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। आप लोग के रिलेटिव्स, आपके संबंधी मित्र अगर दूर से देखना चाहते हैं तो वह भी इस कथा को देख सकते हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर हमारा चैनल है मेरे ही नाम से, रूपानुग दास नाम से, तो आप उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। ठीक है, और सभी जरूर आइए, सातों दिन कथा सुनिए। व्रत ले लीजिए कि सात दिन भागवत कथा सुनूंगा ही सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कहीं जाना हो, कुछ करना हो, सब प्लान कैंसिल, सात दिन के बाद सब, है ना। सात दिन तक कुछ भी नहीं करूंगा, कथा के समय फिक्स रखिए। हम लोग भी बहुत दूर दूर से आए आपको कथा सुनाने के लिए, ठीक है। आप लोग जरूर आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की आरती। अति पावन पुराण के सपट की अति पावन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशे
प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिने राश विलासिने राश विलासिने भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने कथाय किंचन प्रिय सुजान के कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा सभी लोग देखिए हरि बोल सभी लोग दोनों हाथ खड़ा कीजिए सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 एक मिनट देखिए जब दोनों हाथ हम लोग खड़ा करते हैं तो हमारा जितना हरे राम रोहित रहते हैं ऊपर सात लोग नीचे सात लोग सब तर जाते हैं तो इसलिए आप लोग सभी लोग ज्यादा कुछ नहीं ऐसे पैर को हिलाते हुए कुछ नहीं ज्यादा करना है बस ऐसे पैर को हिलाते हुए सभी लोग झुकते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाथ उठा के ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरि वो हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 लोगों को दिखा के मंदिर के हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
सप्ताह यज्ञ महामहोत्सव की आप समस्त ग्रामवासी की जय जय जय।